नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुरु यादव। ये वक्त है आज की कोरोना रिपोर्ट का। छतरपुर जिले में कोरोना के मामले कहां तक पहुंचे और इन मामलों के बाद प्रशासन ने कौन से नए कदम उठाए हैं, आज की रिपोर्ट में जानेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर ब्लॉक में पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब राजनगर यहां का नया कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, इसलिए पिछले दो दिनों में यहां 250 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग कराई गई है। मंगलवार को कितने मामले सामने आए और कितने लोगों को छुट्टी मिली, देखिए आज की रिपोर्ट में। जुलाई के महीने में छतरपुर जिला मुख्यालय और नौगांव पर कहर बरपा रहा कोरोना वायरस अब राजनगर ब्लॉक में लोगों को संक्रमित कर रहा है। पिछले एक सप्ताह में राजनगर ब्लॉक के खजुराहो, चंद्रनगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मंगलवार को 5 नए मामले राजनगर ब्लॉक में सामने आए। इसके अलावा 5 अन्य मामलों में छतरपुर, नौगांव, महाराजपुर में एक एक केस मिला, वहीं ईशानगर में 2 नए मामले मिले। इन मामलों के सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन ने संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग बढ़ा दी है। मंगलवार को अहमदाबाद से आई 372 सैंपल की रिपोर्ट में छतरपुर जिले के अलग अलग हिस्सों से 10 संक्रमित मरीज मिले। इनमें 4 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिला तक शामिल है। इसके साथ ही नौगांव के मिलिट्री कैंट इलाके से एक 36 वर्षीय सेना का जवान संक्रमित मिला। गौरतलब है कि इसके पूर्व मिलिट्री कैंट नौगांव में एक सैनिक कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसी तरह महाराजपुर थाने में पदस्थ एक 29 साल का पुलिसकर्मी भी संक्रमित मिला है। 5 नए मामले राजनगर ब्लॉक में सामने आए। इनमें ग्राम घुंचू में एक 80 साल की महिला और एक 19 साल की महिला शामिल है। बमीठा में एक 6 साल का बच्चा, राजनगर के सोनी मोहल्ले में एक 4 माह का बच्चा और 21 साल का युवक संक्रमित मिला है। ईशानगर में भी एक 40 वर्षीय युवक और एक 69 वर्षीय बुजुर्ग में संक्रमण पाया गया है। छतरपुर शहर में भी सरानी दरवाजा इलाके से एक 66 वर्षीय बुजुर्ग में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब नजर डालते हैं आज की कोरोना फैक्ट फाइल पर। अब तक जिले में कोरोना संक्रमण के 475 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 391 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि जिले में अब भी 73 एक्टिव केस मौजूद हैं। 11 लोग कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। जिले में अब तक 15,431 लोगों की कोरोना जांचें की जा चुकी हैं। तो पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार। कोरोना का खतरा किसी भी रास्ते से आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके आंगन की किलकारी और बुजुर्ग इस खतरे से बचे रहें, इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सुरक्षा और सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए अब svcitymart.com लाया है सुरक्षित और किफायती खरीदारी का सर्वोत्तम अवसर। svcitymart के ऐप अथवा वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर जाकर आप घर की दैनिक जरूरत का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर का सारा सामान PPE किट, ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा साधनों से लैस कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाता है। एक एक सामान का सैनिटाइजेशन कर उसकी डबल पैकिंग की जाती है ताकि आपके पास डिसइंफेक्टेड सामग्री पहुंचे। पैकिंग के बाद यही सामग्री डबल पैकिंग में उन कर्मचारियों के द्वारा आपके घर भेजी जाती है जो कोरोना सेफ्टी से लैस होते हैं। आपके दरवाजे पर कर्मचारी एक बैग को खोलकर आपको उसके भीतर मौजूद दूसरा बैग देता है जो पूरी तरह से अनटच्ड होता है। इतना ही नहीं, 100% सेफ्टी के साथ ही आपको इसका बिल भी ऑनलाइन दिया जाता है, जिस पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा UPI या फिर कैश के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ ही हम आपको देते हैं हर खरीद पर 5-25% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही आपसे मिले मुनाफे का 2% जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने की जरूरतों पर। इसके साथ ही आप हमारे डिलीवरी बॉय को भी अपने घर पर पड़ी पुरानी चीजें जैसे कपड़े, जूते, चप्पल आदि गरीब बच्चों के उपयोग के लिए दान कर सकते हैं। ये सब कुछ अब छतरपुर में SB Mart पर।
अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9179853535।